प्रिंसिपल जी, आपने इन दोनों को पकड़वा कर बहुत बड़ा काम किया है। आपकी वजह से आज ड्रग सप्लायर का बॉस पकड़ा गया। जब आपको पता था कि ये बूढ़ा आदमी ड्रग सप्लाई करता है तो आप इसको जेल से छोड़े क्यों? ये सब मेरा प्लान था ताकि ये जेल से छूटे और अपने बॉस के पास जाए और हम लोग इसको पकड़ लें। आपको बहादुरी का इनाम बहुत जल्द मिल जाएगा। पुलिस का हेल्प करने के लिए थैंक यू वेरी मच। अरे ये तो मेरा फर्ज था। अब से कंप्यूटर के सामने बैठकर क्या कर रहे हो? गेम खेल रहा हूँ पापा। गेम वेम बाद में खेलना, जाओ दूध लेकर आओ, चाय बनेगा। दूध तो आप लाते हो ना पापा? रोज मैं ही लाऊं दूध, बड़े होकर तो तुम ही को लाना है ना सब कुछ। दूध लेने जाओ और कंप्यूटर में न्यूज लगा दो, मैं न्यूज सुनूंगा। टीवी में सुन लीजिए ना न्यूज। टीवी में लाइन नहीं है। ठीक है लगा रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर मत देखिएगा, कंप्यूटर खराब हो जाएगा। वाह बेटा, तुम दिन भर कंप्यूटर चलाते हो तो कंप्यूटर खराब नहीं होता है, और मैं थोड़ा देर चला लूंगा तो कंप्यूटर खराब हो जाएगा। ठीक है लगाता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपका फ्यूचर बता सकता हूँ तो आपका रिएक्शन क्या होगा? चौंक जाइएगा ना। जी हाँ, मैं भी इसी तरह चौंक गया था जब एक बाबा ने दावा किया कि वो किसी का भी फ्यूचर बता सकते हैं। उनका नाम है जादुई बाबा और उनका कहना है कि वो किसी का भी फ्यूचर बता सकते हैं। ये जादुई बाबा चेहरा देखकर फ्यूचर बताते हैं और उनका फ्यूचर सच हो जाता है। अगर आपको यकीन ना हो तो जादुई बाबा से जाकर एक बार मिलकर देखिए। लगता है मेरा किस्मत खुलने वाला है। चल बेटा, आज जादुई बाबा के पास चल। क्या पापा, आप भी ये सब फालतू बातों में यकीन करने लगे? अरे तूने देखा नहीं न्यूज चैनल में कितना कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा था? अगर वो बात सच नहीं होता तो न्यूज चैनल वाला इतना कॉन्फिडेंट से नहीं बोलता। न्यूज चैनल वालों का तो काम है लोगों को उल्लू बनाना, और आप क्या कीजिएगा अपना फ्यूचर देखकर? बेटा मैंने लॉटरी खरीदा है, बाबा से पूछूंगा कि मेरी लॉटरी लगेगी कि नहीं। लॉटरी में पैसा बर्बाद करने से अच्छा है बैंक में पैसा जमा कीजिए, काम आएगा। एक बार लॉटरी लग गई ना तो बैंक में पैसा ही पैसा होगा बेटा। पापा ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। नेगेटिव मत सोचो, बी पॉजिटिव बेटा, आज शाम को चलना है, जल्दी तैयार हो जाना। पूछो क्या पूछना है। आपके यहाँ गर्मी में बर्फ कैसे गिर रहा है? यही तो हमारा जादू है बच्चे, इसलिए तो सब हमारे पास आते हैं। नामुमकिन को भी मैं मुमकिन करके दिखा देता हूँ, सबका फ्यूचर बता देता हूँ, गर्मी में भी बर्फ गिरवा देता हूँ। बाबा मैंने लॉटरी खरीदी है, क्या मैं लॉटरी का प्राइज जीत पाऊंगा? बहुत देर हो चुकी है बच्चे, अगर कल आते तुम मेरे पास तो तुम 1 करोड़ जीत सकते थे। तुमने जो लॉटरी खरीदी थी वो लॉटरी रास्ते में ही गिर गई, वो किसी फकीर आदमी को मिल गई है। अगर तुम कल आते तो मैं तुम्हें बताता कि तुम्हें वो लॉटरी को राइट वाले पॉकेट में नहीं बल्कि लेफ्ट वाले पॉकेट में रखना चाहिए था। राइट वाले पॉकेट से तुमने जब पैसा निकाला उसी वक्त तुम्हारा लॉटरी गिर गया। तो बाबा अब फ्यूचर में क्या होगा? तुम्हारा पुराना लॉटरी जो घर में खो गया था वो आज शाम को मिल जाएगा और तुम कल 10,000 रुपये जीत जाओगे। लेकिन बाबा वो तो पुराना लॉटरी है, उसका तो डेट निकल गया होगा। उसका डेट नहीं निकला है, कल ही अनाउंसमेंट होगा उसका रिजल्ट। मुझे एक और सवाल पूछना था। एक बार में एक ही सवाल पूछ सकते हैं बच्चे, अब आप लोग जा सकते हो। अरे कहाँ चले गए थे आप दोनों? आप दोनों को एक खुशखबरी सुनानी है। यही खुशखबरी है ना कि जो लॉटरी खो गई थी वो मिल गई है? हाँ, पर आपको कैसे पता? मैं एक जादुई बाबा के पास गया था, उन्होंने ही हमारा फ्यूचर बताया। अच्छा तो ये जादुई बाबा फ्यूचर बताते हैं? हाँ मम्मी, मुझे भी ले चलिएगा ना, मुझे भी पूछना है कि अगला सेल कब लगेगा, उस दिन के लिए मैं पैसा जुगाड़ कर रखूंगी। तुम लेडीज लोग सिर्फ शॉपिंग का ही सोचती हो। ठीक है ले चलूंगा। हट, मैं इन सब बातों में नहीं मानता। सच बोल रहा हूँ यार, जादुई बाबा का हर बात सच हो गया। आदि मानव क्या बात कर रहे हो? सर मानव बोल रहा है कि कोई बाबा है जो फ्यूचर बताता है। तुम लोग यही सब बात करने के लिए स्कूल आते हो? आज मैं तुम लोग को साइंस पढ़ाऊंगा। देखो बच्चों, अगर साइंटिस्ट लोग नहीं होते और साइंस नहीं होता तो लोग बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो झूठ है उसको सच मान लेते। जैसे कि पहले के लोग बोलते थे कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए क्योंकि हादसा हो जाएगा। और पहले के लोग ये भी मानते थे कि जमीन चपटी है, लेकिन साइंटिस्ट लोग ने पता लगाया कि जमीन नारंगी जैसी गोल है। तुम लोग भी अच्छे से साइंस पढ़ना और झूठी बातों पर यकीन मत रखना। और सर जो मानव बोला कि बाबा फ्यूचर बता रहे हैं वो सच है या झूठ? बिल्कुल झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई भी फ्यूचर नहीं बता सकता। सर आपको यकीन नहीं है तो चलिए बाबा के पास, आपको भी यकीन हो जाएगा। ठीक है, तुमको सच दिखाने के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वो आप ही हो जो सबको बेवकूफ बनाते हो?
मैं किसी को बेवकूफ नहीं बनाता बच्चे, अगर यकीन ना हो तो खुद का फ्यूचर जानकर देख लो। ठीक है, बताओ मेरा फ्यूचर। तो सुनो, कुछ दिन पहले तुम अपने रूम में पर्स भूल गए थे। एक बिजनेसमैन तुम्हें किडनैप करने का प्लान बना रहा था, लेकिन तुम बच गए। ये तो पास्ट के बारे में बता रहे हो, फ्यूचर बताओ। अभी तुम्हारी बेटी का कॉल आएगा, उसको फीवर हो गया है, जाओ उसको इलाज कराओ। कुछ भी बोलते रहते हो। हेलो पापा, मुझे अचानक से बुखार हो गया है, जल्दी आइए। अच्छा बेटा, अभी आया, परेशान मत होना। क्या हुआ सर? जल्दी चलो यहाँ से। सर देखे ना, मैंने कहा था ना, वो जादुई बाबा फ्यूचर बताते हैं। लेकिन कोई फ्यूचर कैसे बता सकता है? अरे ये तो एलियन है।